पॉइंट्स। अब हम लोग यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं ये की पॉइंट्स क्या है। देखिए, दो ब्लॉक्स हैं या दो बॉडीज हैं, एक की मास m1 है, दूसरे की मास m2 है। m1 की स्पीड u1 है, m2 की स्पीड u2 है, जो डायरेक्शन के साथ दिखाया गया। ऑब्वियस बात है, कोलिजन होगा तो u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होगी। अब यदि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो होता क्या है कि जब दोनों बॉडी कोलाइड करते हैं, दोनों बॉडीज कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन के बाद वो दोनों चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों स्टिक टुगेदर, दे विल स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी उनकी हो जाती है और ये कॉमन वेलोसिटी होती है m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2, जो कि आप सिंपल सी बात है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस में जो होता है, इस कोलिजन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है और जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पे हाफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर होती है। यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होती है और जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है, जनरली ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है। तो कई दफे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कि जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुई है तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, टोटल अमाउंट ऑफ हीट थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस बताइए, तो दैट इज द बेसिकली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है उसमें के सारा का सारा एनर्जी जो है आपका थर्मल एनर्जी में चला गया है, तब जाकर हम लोग कहेंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, राइट। ये बात हो गई। अब मान लिया जाए कि यू वन यू टू दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी है, बट अब दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब u1 जिसके मास m1 है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में, अब दोनों कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद दोनों चिपक गए, फिर से परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो गया, तो v की वैल्यू क्या होगी, तो फिर से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से कहेंगे m1 u1 minus m2 u2 upon m1 plus m2। इसको रिजल्ट कैसे ध्यान में रखना है, यहाँ पे u2 को रिप्लेस कर दीजिए माइनस u2 से ऐसी जगह पे, तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। उसी तरह से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये आपका हाफ m1 m2 upon m1 plus m2, u2 को रिप्लेस कीजिए माइनस u2 से, तो u1 plus u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहां पर मैं एक काफी की पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं और देखते हैं ये की पॉइंट क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और देखते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए यहां पे ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये एक बॉडी है, ये एक लाइट पार्टिकल ले सकते हैं या लाइट बॉडी ले सकते हैं जो कि स्पीड u के साथ एट एन एंगल अल्फा विथ द वर्टिकल, ये एक वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन इस सरफेस का नॉर्मल है, तो इसके साथ एंगल अल्फा बनाते हुए, इस लाइन के साथ ये वाला बॉडी जो है एंगल अल्फा बनाते हुए कोलाइड कर रहा है। कोलाइड करने का जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो e के इक्वल है। अब क्या हुआ कि कोलिजन के बाद ये वाला बॉडी जो है विथ स्पीड v उठता है एट एन एंगल ऑफ बीटा विद दिस वर्टिकल लाइन, तो हमारे को ये बताना होता है कि v और बीटा की वैल्यू के ऊपर कमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग देखें यहाँ पे, तो इस बॉडी का एफबीडी जब ध्यान से देखेंगे तो ड्यूरिंग द कोलिजन एक इंपल्सिव फोर्स लगेगा, दूसरा वेट mg लगेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग लाइट बॉल के केस में mg को हम लोग f के रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। तो यदि ऐसा, और ऐसा जनरली करते हैं कोलिजन के प्रॉब्लम में कि यदि कोई बॉडी के ऊपर काफी एक बड़ा इंपल्सिव फोर्स लग रहा हो तो जो स्मॉलर फोर्सेस हैं उसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन प्रोसेस, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जब वो बॉडी कोलाइड कर रहा है दूसरे के साथ, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि अब यदि यहां पे मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा तो उसके बेसिस पे, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो उसके बेसिस पे देखते हैं क्या बनता है। अब देखिए यहां पे यदि इस बॉल की देखी जाए तो वेलोसिटी u cos अल्फा होगी डाउनवर्ड और पैरेलल टू द सरफेस होगी u sin अल्फा जस्ट बिफोर द कोलिजन, जो कि आप कंपोनेंट लेके कर सकते हैं। आफ्टर द कोलिजन बॉल की जो वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो होगी v cos बीटा और पैरेलल टू द सरफेस होगी यहां पे v sin बीटा, राइट। अब देखिए यहां पे चूंकि अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई भी फोर्स बॉडी पे नहीं लग रहा है तो हम लोग कहेंगे कि भाई कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट मींस पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द पैरेलल टू द सरफेस वेलोसिटी कहें या मोमेंटम कहें इस बॉल की या इस बॉडी की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि u पैरेलल विल बी इक्वल टू v पैरेलल, सिंपल सी बात है, दैट मींस u sin अल्फा विल बी इक्वल टू v sin बीटा, राइट। एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। दूसरा देखिए, यदि आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं e equal to v2 minus v1 divided by u1 minus u2 का, तो
तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आ जाता है भी परपेंडिकुलर जो हो जाता है ई इंटू यू परपेंडिकुलर हो जाता है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो रेस्ट में है, ये बात हम लोग लेके चल रहे हैं। तो भी परपेंडिकुलर इक्वल टू ई यू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स जो आपका वी कॉस बीटा है वो आपका ई यू कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट। अब ये दो इक्वेशन आ गया, तो दो इक्वेशन आपके पास आ गया, तो बी और बीटा दोनों की वैल्यू बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे यदि आप वी साइन बीटा बाई वी कॉस बीटा करेंगे तो डेट विल गिव टेन बीटा, टेन बीटा विल बी इक्वल टू सिंपल सी बात है यू साइन अल्फा बाई ई यू कॉस अल्फा, दैट मीन्स इट विल कम आउट टेन अल्फा बाई ई, राइट। तो टेन बीटा इक्वल टेन अल्फा बाई ई आ गया, एक तो ये रिलेशन आ गया। वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा दैट विल गिव वी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ई यू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, उससे आपकी वी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ई यू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, यदि कोफिशिएंट ऑपरेशन वन के इक्वल हो जाए तो उस केस में अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे और यू और बी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिसको जरूर से ध्यान में रखना, डायरेक्टली कई दफे यूज होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहां पे, अब यहां पे क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, फिर से बात आती है, और यहां पे एक बॉडी जो है एक लाइट बॉल जो है आपका इस इंक्लाइन प्लेन के साथ विथ स्पीड यू इस पॉइंट पे कोलाइड कर रहा है, ये एक नॉर्मल है टू द इंक्लाइन प्लेन। तो ऑब्वियस बात है यदि एंगल अल्फा होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ये भी एंगल आपका क्या होगा यहाँ पे अल्फा होगा, बाय ज्योमेट्री वो आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ कि कोलिजन के बाद ये वाला बॉडी जो है वी स्पीड से उठता है एट एन एंगल ऑफ बीटा विद दिस लाइन, तो हमारे को यहाँ पे बताना होता है कि वही वी और बीटा के बारे में, राइट। दूसरी बात देखिए यहाँ पे कि भाई कि ये बॉडी का यदि आप एफबीडी देखेंगे तो इंपल्सिव फोर्स एफ ऐसे लग रही है, नीचे वेट एमजी है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि यदि काफी लाइट बॉल हो लाइट बॉडी हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जनरली स्मॉलर फोर्सेस को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। यदि स्मॉलर फोर्सेस को निग्लेक्ट कर दें, दैट मीन्स यहाँ पे एमजी को निग्लेक्ट कर दें ड्यूरिंग द कोलिजन, तो बॉडी के ऊपर इस बॉडी के ऊपर केवल एक इंपल्सिव फोर्स एफ इस डायरेक्शन लग रहा है। यदि इंपल्सिव फोर्स केवल एफ लगेगा इस डायरेक्शन में जो कि नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन है, तो हम लोग कहेंगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस बॉडी का जो है मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, या हम लोग कहेंगे वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो अलोंग द इंक्लाइन का मतलब पैरेलल टू द इंक्लाइन, इसका मतलब यही वाली बात आ गई कि यू पैरेलल विल बी इक्वल टू वी पैरेलल। आप जब कंपोनेंट लेंगे इसका तो इसकी बात वही आ जाएगी, इधर आपका आ जाएगा यहां पे कितना यू कॉस अल्फा, इधर कितना आ जाएगा आपका यू साइन अल्फा, जब वी से उठेगा तो वी कॉस बीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, अब वी साइन बीटा अलोंग द इंक्लाइन या पैरेलल टू द इंक्लाइन। तो ये जो रिजल्ट आपका है कि यू साइन अल्फा इक्वल टू वी साइन बीटा एंड वी कॉस बीटा इक्वल टू ई यू कॉस अल्फा, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट है। इस बात को आप समझें, मेरे ख्याल से मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं ये की पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखिए थर्ड यहां पे क्या है कि भाई कि ये वॉल जो है आपका यहां पे तो हॉरिजॉन्टल सरफेस था, अब ये एक वॉल आ गया, राइट, और एक लाइट बॉल फिर से स्पीड यू के साथ इस पॉइंट पे कोलाइड करता है एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद दिस लाइन, और दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द वॉल, ये उठा वी से एट एन एंगल ऑफ बीटा। तो सिमिलर रिजल्ट यहां पे फिर से उसी तरीके से निकाल सकते हैं या उसी तरह से लगा सकते हैं कि जो पैरेलल टू द वॉल होगा वेलोसिटी कोलिजन के पहले का, कोलिजन के जस्ट पहले कोलिजन के जस्ट बाद, वो आपस में इक्वल होगा, राइट। और दूसरी बात परपेंडिकुलर टू द वॉल जो होगा वो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो आपकी सिंपल सी बात है वी कॉस बीटा जो हो जाएगी ई यू कॉस अल्फा हो जाएगी, बिल्कुल सेम रिजल्ट है, राइट। एक बात क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे लाइट बॉल है तो ड्यूरिंग द कोलिजन हमने क्या किया एम जी को निग्लेक्ट कर दिया है ड्यूरिंग द कोलिजन, तो ड्यूरिंग द कोलिजन केवल एक इंपल्सिव फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिससे कि हम लोग इस बॉल का मोमेंटम जो है पैरेलल टू द वॉल को क्या करा सके कंजर्व करा सकें। तो ये सारे रिजल्ट जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं रिजल्ट डिस्कस किया हूं, ये तीनों ही जगह पे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान में रखना कि लाइट बॉल होनी चाहिए ड्यूरिंग द कोलिजन, यहां पे खासकर इन दोनों केस में लाइट बॉल होनी चाहिए, और ड्यूरिंग द कोलिजन हम लोग एम जी को निग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमने की पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया है। अब देखिए यहां पे कोलिजन से रिलेटेड कुछ और की पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए यहां पे ये एक बॉडी है या एक बॉल है या एक कोई पार्टिकल है जो कि स्पीड यू के साथ इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोलाइड करता है जो फिक्स्ड है, तो यदि कोलाइड करेगा कोलाइड करने के बाद ये एग्जैक्टली ई यू से ऊपर उठेगा, फिर ई इज द कोफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कोलिजन। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से देखिए ये एक ब्लॉक है जो वॉल के साथ स्पीड यू से कोलाइड कर रहा है, तो लौटेगा ई यू से, वॉल यहाँ पे फिक्स है, राइट, ये बात ध्यान में रखना है। फिर से यहाँ पे वही ई कोफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कोलिजन है। अब देखिए यहाँ पे
इसी रिजल्ट को यदि मैं जनरलाइज करता हूं कि सपोज ये स्पीड यू के साथ फर्स्ट टाइम कोलाइड करने वाला है, कोलिजन के जस्ट पहले इसकी स्पीड यू है, तो कोल और यदि एन दफे कोलाइड करता है तो आफ्टर एनथ कोलिजन इस बॉल की जो वेलोसिटी हो जाएगी, ई स्पीड जो हो जाएगी, ई रेस टू द पावर एन इंटू यू हो जाएगी, राइट। फर्स्ट कोलिजन के बाद ई यू, सेकेंड कोलिजन के बाद ई स्क्वायर यू, थर्ड कोलिजन के बाद ई क्यूब यू, इस तरीके से होएगा, वेयर यू इज द स्पीड जस्ट बिफोर द फर्स्ट कोलिजन, राइट। ये वाली पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज एक बॉल को मैं रिलीज करता हूँ रिस्ट से, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी से इसे गिराई गई है, यदि मैं इसको जीरो वेलोसिटी गिराता हूँ और फ्रॉम द हाइट h1, और कोलिजन के बाद, पहले कोलिजन के बाद ये हाइट h2 तक उठता है आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, तो e इक्वल टू होता है रूट ओवर h2 बाय h1, जो कि आप खुद वर्कआउट जरूर से कर लेना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए कि ये एच वन हाइट से गिराया गया विथ इनिशियल स्पीड इक्वल टू जीरो, तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो यहाँ पे उठेगा ये बॉल वो ई स्क्वायर इंटू एच वन, सेकेंड कोलिजन के बाद ई फोर इंटू एच वन, थर्ड कोलिजन के बाद ई रेस टू द पावर सिक्स इंटू एच वन, इस तरीके से होएगा। तो ये रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप जब ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो डायरेक्टली इन रिजल्ट को अप्लाई करके आप प्रॉब्लम को जल्दी से वर्कआउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक बॉल है जिसको हमने रिलीज किया रेस्ट एट द हाइट h एबव द सरफेस। अब क्या हुआ कि ये कई बार कोलाइड करेगा, कई बार कोलाइड करते करते इसके बाद आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन, या हम लोग कहें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन, ये अल्टीमेटली स्टॉप कर जाता है। तो क्या होता है कि हमें बताना होता है कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप रिबॉन्डिंग, तो इसका रिजल्ट आप ध्यान में रखें, इट विल बी इक्वल टू रूट ओवर 2h बाय g इनटू 1 प्लस e डिवाइड बाय 1 माइनस e, जहां पे e कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ये एक प्रॉब्लम ही है जिसका मैं रिजल्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि काफी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर आ सकता है, या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। कैसे ये आएगा ये खुद वर्कआउट कर लेना। अब देखिए यहां पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉल बिफोर इट विल स्टॉप रिबॉन्डिंग, तो ये होगा कैपिटल एच, राइट, कैपिटल एच नहीं आएगा, यहां पे स्मॉल एच कर देता हूं, स्मॉल एच इंटू वन प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस ई स्क्वायर। तो ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए तो आप डायरेक्टली इस रिजल्ट का यूज करके उस प्रॉब्लम को वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने डिस्कस किया है।